La 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 la. आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो प्रेमचंद की है। तो आओ सुनो कहानी चकमा। सेठ चंदूमल जब अपनी दुकान और गोदाम में भरे हुए माल को देखते तो मुंह से ठंडी सांस निकल जाती। ये माल कैसे बिकेगा, बैंक का सूद बढ़ रहा है, दुकान का किराया भी चढ़ा जाता है, कर्मचारियों का वेतन बाकी बढ़ता जाता है, ये सभी रकमें गांठ से देनी पड़ेंगी। अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो दिवाले के सिवा और किसी तरह जान नहीं बचेगी। तिस पर भी धरने वाले नित्य सर पर शैतान की तरह सवार रहते हैं। सेठ चंदूमल की दुकान चांदनी चौक दिल्ली में थी। मुफस्सिल में भी कई दुकानें थीं। जब शहर कांग्रेस कमेटी ने उनसे विलायती कपड़े की खरीद और बिक्री के विषय में प्रतीक्षा करानी चाही तो उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। बाजार की कई आड़तियों ने उनकी देखा देखी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। चंदूमल को जो नेतृत्व कभी ना नसीब हुआ था इस अवसर पर बिना हाथ पर हिलाए ही मिल गया। वे सरकार के खैरख्वाह थे, साहब बहादुरों को समय समय पर डालियां नजर देते थे, पुलिस से भी घनिष्ठता थी, म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य भी थे। कांग्रेस के व्यापारिक कार्यक्रम का विरोध करके अमन सभा के कोषाध्यक्ष बन बैठे। ये इसी खैरख्वाही की बरकत थी। युवराज का स्वागत करने के लिए अधिकारियों ने उनसे 25,000 के कपड़े खरीदे। ऐसा सामर्थी पुरुष कांग्रेस से क्यों डरे। पुलिस वाले ने भी बढ़ावा दिया, मुआहिदे पर हरगिज दस्तखत ना कीजिएगा, देखें ये लोग क्या करते हैं, एक एक को जेल ना भिजवा दिया तो कहिएगा। लाला जी के हौसले बढ़े, उन्होंने कांग्रेस से लड़ने की ठान ली। उसी के फलस्वरूप 3 महीनों में उनकी दुकान पर प्रातः 9 बजे से रात तक पहरा रहता था। पुलिस दलों ने उनकी दुकान पर वॉलंटियरों को कई बार गालियां दी, कई बार पीटा, खुद सेठ जी ने भी कई बार उन पर बाण चलाए, परंतु पहरे वाले किसी तरह से न टलते थे। बल्कि इन अत्याचारों के कारण चंदूमल का बाजार और भी गिरता जाता। मुफस्सिल की दुकानों से मुनीम लोग और भी दुराशाजनक समाचार भेजते रहते थे। कठिन समस्या थी, इस संकट से निकलने का कोई उपाय न था। ये देखते थे कि जिन लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं वो चोरी छुपे कुछ न कुछ विदेशी माल जो है वो निकाल लेते हैं, उनकी दुकानों पर पहरा भी नहीं बैठता। ये सारी विपत्ति मेरे ही सर पर है, उन्होंने सोचा कि पुलिस और हाकिमों की दोस्ती से भला मेरा क्या फायदा हुआ, उनके हटाए से पहरे नहीं हटते, सिपाहियों की प्रेरणा से ग्राहक नहीं आते, किसी तरह पहरे बंद हो जाते तो सारा खेल बन जाता। इतने में मुनीम जी ने कहा, लाला जी ये देखिए कई व्यापारी हमारी तरफ आ रहे थे, पहरे वालों ने उनको न जाने क्या मंत्र पढ़ा दिया, सब चले जा रहे हैं। चंदूलाल बोले, अगर इन पापियों को कोई गोली मार देता तो मैं बहुत खुश होता, ये सब मेरा सर्वनाश करके दम लेंगे। मुनीम जी बोले, कुछ ठेठी तो होगी ही, यदि आप प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर न कर देते तो ये पहरा उड़ जाता, तब हम भी ये सब माल किसी न किसी तरह खपा देते। चंदूमल ने कहा कि मन में तो मेरे भी यही बात आती है, पर सोचो अपमान कितना होगा, इतनी हेकड़ी दिखाने के बाद फिर झुका नहीं जाता है, फिर हाकिमों की निगाहों में भी गिर जाऊंगा और लोग बिताने देंगे कि चले थे बच्चा कांग्रेस से लड़ने, ऐसी मुंह की खाई कि होश ठिकाने आ गए, जिन लोगों का पीटा और पिटवाया, जिनको गालियां दी, जिनकी हंसी उड़ाई, अब उनकी शरण कौन मुंह लेके जाऊं। मगर एक उपाय सूझ रहा है, अगर चकमा चल गया तो पौ बारा है, बात तो तब है जब सांप को मारूं मगर लाठी बजाकर, पहरा उठा दूं पर बिना किसी की खुशामद किए। 9 बज गए थे, सेठ चंदूमल गंगा स्नान करके लौट आए थे और मसनत पर बैठकर चिट्ठियां पढ़ रहे थे। अन्य दुकानों के मुनीमों ने अपनी विपत्ति कथा सुनाई थी,
एक एक पत्र को पढ़कर सेठ जी का क्रोध बढ़ता जाता था। इतने में दो वॉलंटियर गाड़ियां लिए हुए उनके दुकान के सामने आकर खड़े हो गए। सेठ जी ने डांट कर कहा, हट जाओ हमारी दुकान के सामने से। एक वॉलंटियर ने उत्तर दिया, महाराज हम तो सड़क पर है, क्या यहां से भी चले जाए? सेठ जी बोले, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता हूं। वॉलंटियर ने कहा, तो आप कांग्रेस कमेटी को लिख दीजिए, हमको तो यहां पर खड़े रहने का पहरा देने का हुक्म मिला है। एक कांस्टेबल ने आकर कहा, क्या बात है सेठ जी, ये लौंडा क्या बोल रहा था? चंदुमल बोले, मैं कहता हूं दुकान के सामने से हट जाओ, पर मानता ही नहीं। कांस्टेबल ने वॉलंटियर से कहा कि तुम दोनों यहां से जाते हो कि गर्दन नापूं। वॉलंटियर बोले, हम सड़क पर खड़े हैं, दुकान पर नहीं। कांस्टेबल का अभीष्ट अपनी कारगुजारी दिखाना था, वो सेठ जी को खुश करके कुछ इनाम इकराम भी पाना चाहता था। उसने वॉलंटियरों को अपशब्द कहे और जब उन्होंने उसकी कुछ परवाह ना की तो एक वॉलंटियर को इतने जोर से धक्का दिया कि वो बेचारा मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। कई वॉलंटियर इधर उधर से इकट्ठा होने लगे, कई सिपाही भी आ पहुंचे। दर्शक वृंद को ऐसी घटनाओं में मजा आता है, उनकी भीड़ लग गई। किसी ने हाक लगाई, महात्मा गांधी की जय। औरों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। देखते देखते एक जनसमूह एकत्रित हो गया। एक दर्शक ने कहा, क्या है लाला चंदूमल, अपनी दुकान के सामने इन गरीबों की दुर्गति करा रहे हो और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, कुछ भगवान का भी डर है कि नहीं? सेठ जी ने कहा, मुझसे कसम ले जाओ जो मैंने किसी सिपाही से कुछ कहा हो तो। ये लोग अनायास इन बेचारों के पीछे पड़ गए, मुझे सेठ पे बदनाम करते हैं। सिपाही बोला, लाला जी आप ही तो कहा था कि दोनों वॉलंटियर मेरे ग्राहकों को छेड़ रहे हैं, इन्हें हटाओ, अब आप निकले जाते हैं। चंदूमल बोले, बिल्कुल झूठ झूठ झूठ, सरासर झूठ, सो लोवाना झूठ। तुम लोग अपनी कारगुजारी की धुन में इतने इनसे उलझ पड़े। ये बेचारे तो दुकान से बहुत दूर खड़े थे, न किसी से बोलते थे न चालते थे, तुमने जबरदस्ती ही इन्हें गर्दनी देना शुरू कर दी। मुझे अपना सौदा बेचना है कि किसी से लड़ना है? दूसरा सिपाही हक्का बक्का होकर बोला कि लाला जी हो बड़े होशियार, मुझसे आग लगवा दी और खुद अलग हो गए। तुम न कहते तो हमें क्या पड़ी थी कि हम इन लोगों को धक्के देते। दरोगा जी ने भी हमको ताकीद कर दी थी कि सेठ चंदूमल की दुकान का विशेष ध्यान रखना, वहां कोई वॉलंटियर ना आए। तब हम लोग आए थे, तुम फरियाद न करते तो दरोगा जी हमारी तैनाती ही क्यों करते? चंदूमल ने कहा, दरोगा जी को अपनी कारगुजारी दिखानी होगी, मैं उनके पास क्यों फरियाद करने जाता? सभी लोग कांग्रेस के दुश्मन हो रहे हैं, थाने वाले तो उनके नाम से जलते ही हैं, क्या मैं शिकायत करता तभी तुम्हारी तैनाती करते? इतने में किसी ने थाने में इत्तला दी कि चंदूमल की दुकान पर कांस्टेबलों और वॉलंटियरों में मारपीट हो गई। कांग्रेस के दफ्तर में भी खबर पहुंच गई। जरा देर में मैं सशस्त्र पुलिस के थानेदार और इंस्पेक्टर साहब आ पहुंचे। उधर कांग्रेस के कर्मचारी भी दल बल सहित दौड़े। समूह और बढ़ा, बार बार जयकार की ध्वनि उठने लगी। कांग्रेस और पुलिस के नेताओं में वाद विवाद होने लगा। परिणाम यह हुआ कि पुलिस वालों ने दोनों को हिरासत में ले लिया और थाने की ओर चले। पुलिस अधिकारियों के जाने के बाद सेठ जी ने कांग्रेस के प्रधान से कहा, आज मुझे मालूम हुआ कि ये लोग वॉलंटियरों पर इतना घोर अत्याचार करते हैं। प्रधान बोला, तब तो दो वॉलंटियरों का फंसना व्यर्थ नहीं हुआ। इस विषय में तो आपको कोई शंका नहीं है ना कि हम कितने लड़ाकू, कितने द्रोही, कितने शांति भंगकारी हैं, ये तो आपको खूब मालूम हो गया होगा। चंदूमल बोले, जी हां मालूम तो हो गया। प्रधान बोले कि आपकी शहादत तो अवश्य होगी। चंदूमल ने कहा, होगी तो भी मैं साफ साफ कह दूंगा, चाहे बने या बिगड़े, पुलिस की सख्ती अब नहीं देखी जाती। कांग्रेस के मंत्री ने कहा, पुलिस वाले आपको दबाएंगे बहुत। चंदूमल, एक नहीं 100 दबाव पड़े मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, सरकार उस दरबार में साथ न जाएगी। मंत्री ने कहा, अब तो हमारी लाज आपके हाथ में है। चंदूमल ने कहा, मुझे आप देश का द्रोही न पाएंगे। यहां से प्रधान और मंत्री अन्य पदाधिकारी चले तो मंत्री जी ने कहा, आदमी सच्चा जान पड़ता है। प्रधान जी के मन में अभी भी शंका थी, संदिग्ध भाव से बोले, कल तक आप ही सिद्ध हो जाएगा। शाम को इंस्पेक्टर पुलिस ने लाला चंदूमल को थाने में बुलाया।
और कहा आपको शहादत देनी होगी, हम आपकी तरफ से बेफिक्र हैं। चंदुमल बोले हाजिर हूं। इंस्पेक्टर ने पूछा वॉलंटियरों ने कांस्टेबलों को गालियां दी? चंदुमल ने कहा मैंने नहीं सुनी। इंस्पेक्टर ने कहा सुनिए ना सुनिए बहस नहीं है, आपको यह कहना होगा कि ये सब खरीदारों को धक्के देकर हटा रहे थे, हाथापाई करते थे, मारने की धमकी देते थे, ये सभी बातें कहनी होगी। दरोगा जी वो बयान लाइए जो मैंने सेठ जी के लिए लिखवाया है। चंदुमल बोले मुझसे भरी अदालत में झूठ ना बोला जाएगा, अपने हजारों जानने वाले अदालत में होंगे, किस किस से मुंह छिपाऊंगा, कहीं निकलने को जगह भी चाहिए। इंस्पेक्टर बोले ये सब बातें निज के मामलों के लिए है, पॉलिटिकल मामलों में झूठ सच शर्म और हया किसी का भी ख्याल नहीं रखा जाता। चंदुमल बोले मुंह में कालिख लग जाएगी। इंस्पेक्टर कहते हैं सरकार की निगाह में इज्जत चौगुनी हो जाएगी। चंदुमल ने कुछ सोचा, बोले जी नहीं गवाही ना दे सकूंगा, कोई और गवाह करा लीजिए। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला याद रखिए ये इज्जत खाक में मिल जाएगी। मिल जाए मजबूरी है। इंस्पेक्टर ने कहा कि अमन सभा के कोषाध्यक्ष का पद छिन जाएगा। चंदुमल बोले उससे कौन सी रोटियां चलती हैं, बंदूक का लाइसेंस छिन जाएगा, छिन जाए बला से, इनकम टैक्स की जांच फिर होगी, जरूर कराइए, ये तो मेरे मन की बात हुई, बैठने को कुर्सी ना मिलेगी, कुर्सी लेके चाटूं, दिवाला तो निकला जा रहा है, अच्छी बात है तशरीफ ले जाइए आप, कभी तो आप पंजे में आएंगे। दूसरे दिन इसी समय कांग्रेस के दफ्तर में कल के लिए कार्यक्रम निश्चित किया जा रहा था। प्रधान ने कहा कि सेठ चंदुमल की दुकान पर धरना देने के लिए 2 स्वयंसेवक भेजिए। मंत्री ने कहा मेरे विचार में वहां अब धरना देने की कोई जरूरत नहीं। प्रधान ने कहा क्यों, उन्होंने अभी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर तो नहीं किए? हस्ताक्षर नहीं किए पर हमारे मित्र अवश्य हो गए हैं, पुलिस की तरफ से गवाही न देगा यही सिद्ध करता है, अधिकारियों का कितना दबाव पड़ा होगा इसका अनुमान किया जा सकता है, ये नैतिक साहस में परिवर्तन हुए बिना नहीं आ सकता। आप जानते हैं ऐसे मामलों में अधिकारियों की अवहेलना करने का क्या अर्थ है, ये राज विद्रोह की घोषणा के समान है, त्याग में संन्यास से इसका महत्व कम नहीं है। आज जिले के सारे हाकिम उनके खून के प्यासे हो रहे हैं, आश्चर्य नहीं कि गवर्नर महोदय को भी इसकी सूचना दी गई हो। प्रधान ने कहा कि और कुछ नहीं तो उन्हें नियम का पालन करने के लिए ही प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था, किसी तरह उन्हें यहां बुलाइए, अपनी बात तो रह जाए। मंत्री ने कहा देखिए वो बहुत आत्माभिमानी है, कभी ना आवेगा, बल्कि हम लोगों की ओर से इतना अविश्वास देखकर संभव है कि फिर उस दल में मिलने की चेष्टा करने लगे। प्रधान ने कहा कि ठीक है अच्छी बात है, अगर आपको उन पर इतना विश्वास हो गया है तो उनकी दुकान छोड़ दीजिए, तब भी मैं यही कहूंगा कि आपको स्वयं मिलने के बहाने से उन पर निगाह रखनी होगी। मंत्री जी बोले आप नाहक इतना शक करते हैं। 9 बजे सेठ चंदुमल अपनी दुकान पर चले आए तो वहां एक भी वॉलेंटियर ना था, मुख पर मुस्कुराहट की झलक आई। मुनीम जी बोले कौड़ी चित पड़ी। मुनीम जी बोले मालूम तो होता है एक महाशय भी नहीं आए। चंदुमल बोले न आए और न आएंगे, बाजी अपने हाथ रही, कैसा दाव खेला चारों खाने चित। मुनीम जी बोले लेकिन अधिकारी नाराज हो गए। चंदुमल बोले आप भी बातें करते हैं, इन्हें दोस्त बनाने कितनी देर लगती है, कहिए अभी बुलाकर जूतियां सीधी करवाओ, टके के गुलाम है ना किसी के दोस्त ना किसी के दुश्मन, सच कहिए कैसा चकमा दिया है। मुनीम जी बोले बस जी यही चाहता है कि आपके हाथ चूम लूं, सांप भी मरा और लाठी भी ना टूटी, मगर कांग्रेस वाले भी टोहम होंगे। चंदुमल बोले तो मैं भी तो मौजूद हूं, ये डाल डाल चलेंगे तो मैं पात पात चलूंगा, विलायती कपड़े की गांठ निकलवाइए और व्यापारियों को देना शुरू करिए, 1 अठवारे में बेड़ा पार है। La 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 la